A very good afternoon to all of you. This is Chrome Visor. By the way, we are at Eco Park. और जब से मैंने Hornet purchase करी है ना, Eco Park बहुत ही मनपसंद जगह बन गया है मेरा. You know, यहाँ पे बहुत peacefulness मिलता है मुझे आकर के. एक सुकून मिलता है. Eco Park हो गया, New Town Road हो गया. एंड बसंती हाईवे इज़ द न्यू एडिशन इन द लिस्ट. बसंती हाईवे बहुत ज़बरदस्त हाईवे है. 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आपको जो भी क्वेश्चंस है हॉर्नेट 2.0 से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स. एंड काफ़ी सारे, यू नो, काफ़ी सारे तो नहीं, मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था कि करीब 10-12, 15-20 क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चंस उतने नहीं है. तो मैंने सोचा चलो जो है जितने हैं आंसर दे करके निपटाते हैं जितने भी हुए हैं क्वेश्चंस. और एक दो क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया कि चलो भाई इनका आंसर देते हैं प्रॉपर एंड देन वीडियो बना ही लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा डिले करने का कोई सेंस बनता नहीं है. सामने एम्प्टी वाला जो बंदा है वो हरकतें कर रहा है कैमरा देख करके. घर से जो मैं निकला हूँ बाइक लेके रोड पे, मतलब जब मैं चला रहा था ना तो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था. डोंट नो द रीज़न, होता है कभी कभी. ज़रूरी नहीं है कि आप, यू नो, हमेशा निकलो तो वैलेंटिनो रॉसी बन के ही निकलो. हालांकि मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना देना चाहिए था क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा था. ज़्यादा हुआ भी नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं है. बैक टू द वीडियो, कहीं गाड़ी को खड़ी करते हैं, आपके क्वेश्चंस का, यू नो, प्रॉपर आंसर देते हैं. पहले एक काम करते हैं, ऑडियो चेक कर लेते हैं. हाँ, ये कर लो पहले, बिकॉज मैंने माइक को, यू नो, अपग्रेड किया हुआ है. वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 बातें और बतानी है कि फाइनली वी आर अ फैमिली ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स. 100 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है. 100 सब्सक्राइबर्स होने में 3 महीने लग गए, बट कोई नहीं, स्लो एंड स्टडी से ही ग्रोथ तो हो ही रहा है और वो एक अच्छी चीज़ है. तो जो भी क्वेश्चंस है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 7-8 ही क्वेश्चंस है, फटाफट निपटाते हैं आंसर दे करके आपको प्रॉपर. सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, देन गाड़ी चलाते चलाते बात करेंगे, बिकॉज तभी फील आता है आंसर का, जवाब देने का. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शिवा सिंह का. भाई ने हॉर्नेट परचेज करी है रिसेंटली, ग्लॉसी ब्लैक विद अ हिंट ऑफ रेड एक्सेंट. एक्चुअली अगर मैं पर्सनली ख़ुद की बात करूँ तो मैं भी वही कलर लेने गया था. मेरे दिमाग में 2 कलर ऑप्शंस थे, एक मैट ब्लू, दूसरा था ग्लॉसी ब्लैक एंड विथ रेड एक्सेंट. बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि रेड के साथ जा, वो बहुत सही लग रहा है. एंड जब मैं इवेंचुअली शोरूम में विज़िट किया ना मैंने, तो भाई लिटरली रेड वाला था वो ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद आ रहा था. बट ब्लैक भी मेरे ऑप्शन में था, मुझे ब्लैक भी चाहिए था, बट उनके पास ब्लैक अवेलेबल था नहीं शोरूम में. एंड जब मेरे भाई ने भी देखा, शोरूम जाकर के विज़िट किया हम लोगों ने, तो उसने भी देखा रेड वाला, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा. इसलिए मैं कहता हूँ यार, शोरूम विज़िट करो, वहाँ पे गाड़ी को प्रॉपर वॉक अराउंड लो, गाड़ी के एग्जैक्ट, यू नो, आपको फीचर्स पता चलेंगे, एग्जैक्टली गाड़ी कैसी दिख रही है आपको, यू नो, लाइव शोरूम में समझ में आएगा. फ़ोटोज़ में समझ में नहीं आता, बट वेरी गुड चॉइस, वेरी ग्रेट चॉइस. बहुत ही शानदार कलर है ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक विद रेड हिंट ऑफ रेड एक्सेंट. मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शिवा सिंह. राइड सेफ, इन्वेस्ट इन अ गुड हेलमेट, सेफली राइड करना, प्रॉपर गैस में इन्वेस्ट करो, एक अच्छा हेलमेट ले लो, एंड दैट्स इट, फॉलो ऑल द रूल्स. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. एक्चुअली दिक्कत यही है कि क्वेश्चंस पूछने में ना बार बार आपको, यू नो, गाड़ी रोक रोक के क्वेश्चंस देखने पड़ रहे हैं. ऑल राइट, दूसरा जो क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम करना. व्हाट्स द ऑनर प्राइस ऑफ हॉर्नेट 2.0? तो भाई मुझे जो प्राइस पड़ी है इस गाड़ी की, वो पड़ी है अराउंड 1,70,000. इट्स लाइक 1,69,500 रुपीज़. एंड कई सारे स्टेट्स में ना प्राइजेस काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कहीं 1,75,000 है, कहीं 1,80,000 है, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग, बिकॉज इतना डिफरेंसेस क्यों है. मे बी शायद RTO का टैक्स वगैरह ज़्यादा है कुछ स्टेट्स में, थोड़े 2-3 हज़ार का डिफरेंस समझ में आता है, बट कई स्टेट्स में ना प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं हॉर्नेट के. आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न वाई. तो कोलकाता में तो 1,70,000 ही है, और मे बी शायद 1,80,000 बड़ा भी होगा, बिकॉज ये 7 महीने पहले की बात है, गाड़ी को लिए हुए 6.5-7 महीने हो चुके हैं, तो मे बी प्राइस में थोड़ा डिफरेंशिएट आया होगा. बट एज ऑफ नाउ आई हैव नो सच आइडिया. एंड या दैट्स इट. विवेक रॉय ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द माइलेज ऑफ दिस बाइक इफ राइडिंग स्पीड इज़ बिटवीन 50-60 किलोमीटर पर आवर? तो एक काम करते हैं, इसका जो आंसर है ना वो गाड़ी चलाते चलाते देते हैं.
बिकॉज़ काफ़ी गर्मी लग रही है, धूप भी काफ़ी तेज़ है, हाफ़ स्लीव्स पहने हुए हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मौसम के क्या हाल है कोलकाता में। फेब भी ख़त्म नहीं हुआ है एंड गर्मी काफ़ी ठीक ठाक सी पड़ रही है। इनफैक्ट रात में तो फ़ैन ऑन करके सोना पड़ रहा है, विथ कंबल ब्लैंकेट के साथ फ़ैन भी चाहिए, ऐसा मौसम हो गया है। मुझे जो माइलेज अभी तक मिली है इस गाड़ी से वो है अराउंड 48 to 52। अब मैं आपको अपनी राइडिंग कंडीशंस बताता हूँ। मेरा जो मोस्टली जो अप एंड डाउन होता है ना, जो मेरा मोस्टली कम्यूटिंग होता है वो सिटीज़ में होता है। 90 to 95% ऑफ द टाइम्स मैं सिटीज़ में ही कम्यूट करता हूँ, जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है एंड क्लच का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माइलेज बहुत सही है इस गाड़ी की। अगर आप एवरेज स्पीड में मेंटेन करके चलाओगे ना, 45 to 60 के अराउंड जैसा आपने मेंशन किया है, तो आपको माइलेज बहुत ही अच्छा मिलेगा, नो डाउट बहुत ही अच्छा माइलेज मिलेगा। डिस्पाइट हैविंग अ वेरी कंजस्टेड रोड्स इन कोलकाता, क्लच का यूज़ बहुत होता है, बट जो माइलेज है उसमें कोई भी कमी नहीं है। 48 से 52 के बीच का जो माइलेज है वो मुझे मिला है अब तक इस गाड़ी से। आई होप दिस आंसर वुड हेल्प। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये पूछा है अजीम ने, वाई हॉर्नेट ? Why not ADV for such Kolkata's bumpy road? Bumpy road, which means uneven road. Nice question actually. तो इसका आंसर देते हैं। अगर आपने यू नो पहले के वीडियोस देखे हुए मेरे ना, उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि जब बाइक लेने की बात घर में चली ना, from day one, I was damn sure about कि मुझे कौन सी गाड़ी purchase करनी, कौन सी सेगमेंट की गाड़ी purchase करनी है। I was damn sure कि मुझे बाइक अगर मैं लूँगा अपने लिए तो इट्स वुड हैव बीन नेकेड स्ट्रीट फाइटर। स्ट्रीट फाइटर के अलावा और कोई बाइक चाहिए भी नहीं था, आइदर अपाचे और हॉर्नेट। अगर हॉर्नेट भी अवेलेबल नहीं होती तो मैं इवेंचुअली अपाचे का ही वेट करता। बिल्कुल ही क्लियर था शुरू से ही कि कौन सी बाइक लेनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेरे राइडिंग कंडीशंस। मेरा मोस्टली 80 to 90% जो सिनारियो होने वाला है, जहाँ मैं राइड करने वाला हूँ, मोस्टली वो सिटीज़ में होने वाला है। ADVs जो है वो सिटीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती। लेने को देखो मैं ले सकता था, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता, बिकॉज गाड़ी का जो कैरेक्टर है, ADVs की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ह्यूज होता है। जो डायमेंशंस होता है ना गाड़ी का, वो काफ़ी ह्यूज होता है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर सच कंजस्टेड ट्रैफिक हियर इन कोलकाता, जो कि कोलकाता की ट्रैफिक में यू नो सूटेबल नहीं होते, अप्रोप्रिएट नहीं होते। मेरा खुद का पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि मैं एक ADV चलाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पतला सा दुबला सा बंदा अगर कॉन्टिनेंटल GT चलाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत ही अजीब लगेगा ना। वैसे ही अगर एक बॉडी बिल्डर इंसान, बहुत अच्छी बॉडी है उसकी, वो अगर प्लैटिना या स्प्लेंडर चलाएगा तो कैसा लगेगा? तो आई होप ये एग्जांपल थोड़ा आपको समझ में आया होगा। आई होप दिस एग्जांपल वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट्स अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी एज वेल। तो मेरी पर्सनैलिटी में ना वो ADV सूट भी नहीं करता। डेफिनेटली ADV बहुत कम्फर्टेबल होता, कलकत्ते के रोड्स के जो हालत है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा चॉइस होता इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता। बाद में मुझे ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता, क्योंकि पावरफुल इंजन होता है ADVs में, इंजन बड़ा होता है उनका, तो माइलेज का एक इशू होता, मेंटेनेंस का इशू होता, बहुत सारे इशू हो जाते हैं मुझे। थर्ड पॉइंट है वो है बजट का। अब देखो ADVs जो है काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं, स्टार्टिंग प्राइस जो ADVs की वो अराउंड 2 लाख से ऊपर है, वो बजट के बाहर हो जाता। बजट तो चलो खैर बहुत सारे तरीके हैं बाइक लेने के, EMIs है, लोन्स है, अज्यूम कर लेते हैं कि मैं ADV परचेज भी कर लेता तो मेंटेनेंस का मसला होता, माइलेज का मसला होता, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इट्स नॉट दैट यू नो ईजी फॉर मी टू मेंटेन सच अ ह्यूज बाइक एट दिस पॉइंट। एक तो इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत सस्ती है, ईजी टू मेंटेन बाइक है, तो वो एक रीज़न है। अपाचे RR 310 बंदे पूरे राइडिंग गियर्स में। होप यू फाउंड दिस आंसर लॉजिकल। तो अमदीप भाई ने क्वेश्चन पूछा है, अपाचे 164V वर्सेज होने 2.0 वर्सेज 162V, विच वन इज़ बेस्ट ? ऑन द बेसिस ऑफ कम्फर्ट, वाइब्रेशन, माइलेज, लुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं कहीं गाड़ी साइड में लगाते हैं एंड देन इस क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं। तो भाई का क्वेश्चन था कि हॉर्नेट 2.0 वर्सेस 162V 164V कौन सा गाड़ी यू नो बेटर है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, कम्फर्ट, वाइब्रेशन, लुक्स। देखो मुझे पर्सनली कंपैरिजन करना पसंद नहीं है बाइक्स का, बट भाई का क्वेश्चन है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो देखो भाई, जो 2V है ना,
आई एम गोना एड्रेस बोथ द बाइक्स। अपाचे की दोनों गाड़ियों को मैं 2V एंड 4V के नाम से एड्रेस करूँगा, तो जस्ट बेयर विथ मी। तो जो अपाचे 2V है ना, वो प्राइस वाइज बिल्कुल ही अलग गाड़ी है। मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ सेमी कम्यूटर विथ अ हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस। तो ये उन ऑडियंस को टारगेट करता है जो कि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक ढूंढ रहे हैं, विथ अ बिट ऑफ स्पोर्टी लुक्स वो ज़्यादा सूट करेगा। तो जो 2V है ना, इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट सेगमेंट बाइक। 2.0 को और अपाचे 4V को कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज एक तो प्राइजेस में उतना डिफरेंसेस नहीं है। आई थिंक 10 से 12 या 15 हज़ार का डिफरेंस है। 2V एंड हॉर्नेट में तो अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 से 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, विच इज़ रियली ह्यूज। यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो लोकेशन चेंज करते हैं। सो द लोकेशन इज़ बीन चेंज्ड वहाँ। तो मैं कह रहा था प्राइस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा तीनों ही गाड़ियों में। एंड जो अपाचे 2V का सेगमेंट है, इट्स अ कम्यूटर कम स्पोर्टी सेगमेंट, वो सेगमेंट बिल्कुल ही अलग है। पावर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 4V एंड हॉर्नेट 2.0 को साइड बाई साइड कंपेयर कर सकते हो, बट नॉट 2V। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है अबाउट कंफर्ट। तो कंफर्ट के मामले में ना, जो 4V है एंड 2V दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, तो सिटीज़ में आपको उन दोनों बाइक्स में ना ज़्यादा कंफर्ट मिल सकता है, बिकॉज इसका जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। हॉर्नेट का जो सस्पेंशन है, इसका कैपेबिलिटीज़ आपको रियलाइज़ होगा हाईवेज़ पे, बट हायर स्पीड्स पे ना, जब आप 80, 85, 90 के स्पीड पे क्रूज़ करते हो हाईवेज़ पे, देन इसका जो स्टिफर सस्पेंशन है ना, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वहाँ समझ में आती है। ऑन दी अदर हैंड, आपको 2V या फिर 4V पे हायर स्पीड्स पे उतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं मिले जितना इसमें मिलता है। 2V में एंड 4V में आपको हाईवेज़ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द टेलीस्कोपिक सेटअप। ये बात हो गई कम्फर्ट की। दूसरी बात करते हैं, वो है माइलेज की। तो भाई देखो, माइलेज का ऐसा सीन है ना कि ये भी सब गाड़ियों में FI आ रहा है। टेक्नोलॉजी को अगर ध्यान में रखें तो माइलेज तीनों ही गाड़ियों में आपको इक्वली मिलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई गाड़ी ले रहे हो ना, कि माइलेज कांस्टेंट चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि जब नई थी तो 50 की एवरेज देती थी, जब पुरानी हो गई तो 35 पे आ गई, बिकॉज इसका जापानीज इंजन है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई गाड़ी चाहिए ना, 3-4 साल 5 साल, तो उस लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ इंजन, और प्रॉमिसिंग इंजन होता है होंडा का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज मेरे फैमिली में ना 3 शाइन है, एंड तीनों शाइन बहुत पुरानी है, कोई 6 साल पुरानी है, कोई 8 साल पुरानी है, एंड अब तक बहुत ही सही से चल रही है। तो ये छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है होंडा का इंजन कितना कैपेबल है, कितना कैपेबल नहीं है। बात करते हैं वाइब्रेशंस की। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाइक देख रहे हो ना, इसमें से आप यू नो परचेज कर, बंदे यू नो क्रॉस कर रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, एंड कोई वेव कर रहा है, कोई थम्स अप दिखा रहा है। नाइस नाइस, अच्छा अच्छा। वेल, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें ना, तो वाइब्रेशंस नो डाउट होंडा में नहीं मिलने वाले आपको, बिकॉज होंडा का इंजन है यार, वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगे। इट्स अ जापानीज इंजन, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि होंडा, सुजुकी, यामाहा, दे आर नोन फॉर देयर इंजन रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। तो वाइब्रेशंस, अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए कोई गाड़ी देख रहे हो ना, तीनों ही गाड़ियों में होंडा का थोड़ा एज है, बिकॉज रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है गाड़ी की। मुझे अब तक तो इस गाड़ी में वाइब्रेशंस फील नहीं हुए, क्योंकि मैंने 2V कभी चलाई नहीं है, तो मुझे 2V का पता नहीं है। बट अपाचे में आपको यू नो थोड़े से 60-65 पे हल्के हल्के वाइब्रेशंस मिलते हैं, बट आप हायर स्पीड पे अगर जाओगे ना अपाचे पे, 4V की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस पर उतने वाइब्रेशंस नहीं फील होते। मुझे इस गाड़ी में तो वाइब्रेशन फील नहीं हुए हैं। जब से FI टेक्नोलॉजी आई है ना, वाइब्रेशन भी काफ़ी रिड्यूस हो गया हर गाड़ी में। बट लास्ट है जो पॉइंट है, वो है लुक्स का। तो लुक्स एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आउट ऑफ दीज 3 बाइक्स, मुझे यू नो 2V का जो लुक है वो बहुत सॉर्ट ऑफ आउटडेटेड लगता है, बहुत ही पुराना लगता है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बदल देने से गाड़ी नई नहीं हो जाती। TVS अगर 2V के इंजन में अगर 4V वाला लुक निकाल देना, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बट क्या है कि इवेंचुअली उसके जो 4V वाले सेल्स हैं वो ड्रास्टिकली गिर जाएंगे, तो वैसे तो कभी करने नहीं वाली TVS। थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी बनाते 2V को तो बहुत ही अच्छी बात होती। बट तीनों ही गाड़ियों में मैं कह सकता हूँ कि अपाचे, 4V एंड हॉर्नेट नेक टू नेक ही है लुक वाइज। बट मुझे अगर पिक करना होगा तो डेफिनेटली मैं हॉर्नेट को पिक करूँगा लुक वाइज, बिकॉज ऑफ कोर्स गोल्डन USD फोक दूर से ही देखकर भाई कोई भी बता देगा कि भाई कुछ बाइक है, कुछ प्रीमियमनेस है गाड़ी में, तो वो एक चीज़ है भाई। तो याकूब खान साहब का क्वेश्चन है कि हॉर्नेट 2.0 2023 वाला वेरिएंट आने वाला है, और उनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि
कौन सा ब्रेकिंग बेटर है, ABS सिंगल चैनल या फिर डुअल चैनल। ऑफ कोर्स भाई डुअल चैनल ज़्यादा बेटर है, इसलिए कुछ कंपनीज आपको यू नो एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं डुअल चैनल ABS के लिए। तो पहला क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। तो एज ऑफ नाउ 2023 वाला वेरिएंट होंडा ने लॉन्च कर दिया है जिसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। मेरे पास जो है वो 2022 वाला वेरिएंट है एंड इसमें और 2023 वाले वेरिएंट में कोई भी मेजर डिफरेंसेस नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहे हो ना कि कोई कोई कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाले या फिर लुक वाइज कोई चेंजेस होने वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब तक देखो हर कंपनी का ना एक टारगेट फिक्स होता है कि हमें इस साल मान लो 1000 यूनिट्स बेचने हैं, तो जब तक होंडा वाले ना उस फिगर के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे ना, जो भी मान लो उनका जो भी टारगेट है, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स बेचने का टारगेट, अगर उस फिगर के आसपास पहुंच जाते हैं, 700-800 तक भी पहुंच जाते हैं ना, तो देन दे विल इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल जो कि ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ। बट एज ऑफ नाउ देर इज़ नो सच प्लान्स ऑफ होंडा ऑफ लॉन्चिंग एनी यू नो अपग्रेड वेरिएंट। जो 22 में मिलता है वो आपको 23 में भी मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो है ABS के रिगार्डिंग। तो ऑफ कोर्स डुअल चैनल ABS ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और सिंगल चैनल ABS थोड़ा सा यू नो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है फ्रंट ब्रेक के ऊपर, दैट्स इट। जकरिया गुलाटी भाई का क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी इंस्टाग्राम अकाउंट। तो भाई वीडियो के शुरुआत में ना इंट्रो में हमेशा वही आता है पहले, तो सेम नाम से है, इंस्टा हैंडल भी सेम नाम से ही है, इट्स क्रोम वाइजर। तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम फीड एज वेल। तो एक क्वेश्चन है रॉयल XYT का कि लोग हॉर्नेट क्यों नहीं परचेज करते। बिकॉज क्या है ना कि होंडा ने ना इंडिया में अपना जो मेनली फोकस है वो कर दिया है सिर्फ होंडा शाइन के ऊपर, SP125 के ऊपर और एक्टिवा के ऊपर। तो मेनली उनका जो मार्केट कैप है ना वो उन्हीं तीन गाड़ियों से है, होंडा बस इन्हीं तीनों गाड़ियों के ऊपर ही इंडिया में अभी टिका हुआ है। बिग विंग गाड़ियों को उतना होंडा यू नो मार्केट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, मतलब इन द सेंस जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं ना इनकी, उनको उतना प्रमोट नहीं करता। आपने नोटिस करा होगा कि ज़्यादा होंडा हाइनेस भी सड़कों पे नहीं दिखने को मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी ख़राब है या फिर गाड़ी अच्छी नहीं है। मैंने यू नो पहले भी कहा था कि किसी भी गाड़ी को ना उसके सेल्स फिगर्स से जज करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कह सकते हो आप, एक बहुत ही यू नो डम सी चीज़ है किसी भी गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ को उसके सेल फिगर से यू नो जज करना। बिकॉज अगर आप देखो ना MT15 जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी ना तो USD नहीं आते थे उसमें, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते थे, तो उस वक्त ना किसी ने उसको उतना पसंद नहीं किया। बट यामाहा ने बात सुनी एंड नेक्स्ट ईयर वापस से लॉन्च करा विथ USD फोक्स। सेम एज आप देखो तो अपाचे RR 310 फर्स्ट ईयर में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट जैसे जैसे यू नो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कोई अच्छा पैकेज दे रहे हैं, अच्छे प्राइस पे अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, तो यू नो लोगों ने परचेज़ करना शुरू कर दिया उस गाड़ी। तो वक्त वक्त की बात है यार, अब हॉर्नेट की मार्केटिंग होंडा ने बिल्कुल भी अच्छी से नहीं करी है टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे लगता है, और केपेबल तरीके से मार्केटिंग करते हैं ना इसके सेल्स फिगर्स जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। बाइक की केपेबिलिटी, बाइक कितनी रिलायबल है, ये सेल्स फिगर्स से कुछ भी जस्टिफाइड नहीं होता। आपको खुद चला करके उस बाइक को एक्सपीरियंस करके तभी जाके समझ में आता है कि कितनी कैपेबल है गाड़ी, कितनी नहीं है। जब आपने उस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया और ख़ुद चला करके, वो एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब होंडा ने इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च करा ना, जब इसने यू नो फर्स्ट टाइम लॉन्च करा ना 2020 में, तो वहीं पर इंजन में इशूज़ आने लग गए, तो लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो गाड़ी से जो थोड़ा बहुत था भी वो उठ गया। बट अभी भी कई सारे फैंस हैं हॉर्नेट के, ऐसा नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम लॉन्च करा होंडा ने तो इंजन में प्रॉब्लम आने लगे, उस वजह से लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठ गया कि जो गाड़ी आ रही है ना ये इंजन मैलफंक्शनिंग के साथ ही आ रही है, मतलब इंजन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ऐसा लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठ गया, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। इतनी बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है होंडा, बार बार तो ये गलती नहीं करेगी ना भाई, कि अब तक गाड़ी चल चुकी है 1670 किलोमीटर एंड कोई इश्यूज नहीं है मुझे, ना इंजन के रिलेटेड है ना बाइक के रिलेटेड कोई इश्यूज है। देखो परफेक्ट गाड़ी कोई भी नहीं होती, चाहे वो 2 लाख की हो चाहे वो 12 लाख की हो,
आप अगर परफेक्शन ढूंढने निकलोगे ना तो आप कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे। ये थी कुछ बातें जो मुझे बतानी थी। तो एक क्वेश्चन पूछा है ओसांग पानियांग भाई ने, आई होप मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो भाई ने पूछा है कि हॉर्नेट अपनी राइवल से क्या चीज़ में बेटर है। तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि हॉर्नेट की राइवल्स कौन कौन सी बाइक्स हैं जो कि इसके प्राइस सेगमेंट में फॉल करती हैं। हम लोग MT15 को नहीं काउंट करेंगे बिकॉज MT15 का जो प्राइस सेगमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 2 लाख रुपीज़ के ऊपर है, जो कि ऑफकोर्स ओवर प्राइज्ड है। तो MT15 को हटा करके जो इसका प्राइस सेगमेंट है ना विच इज़ अराउंड 1 लाख to 1 लाख 70 थाउजेंड जो इसका प्राइस ब्रैकेट है, तो इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ फॉल करती हैं। तो सबसे पहले वो है अपाचे 164V, दूसरा है वो है पल्सर N160 एंड थर्ड है हॉर्नेट 2.0। NS200 एंड NS160 को मैंने नहीं रखा हुआ है इसमें बिकॉज ना वो मेरे विश लिस्ट में थी ना पर्सनली मैं उन गाड़ियों को यू नो और प्रेफर करता हूँ आज के टाइम पे, बिकॉज इतना पुराना लुक दिया हुआ है, 10 साल पहले भी वही था आज भी वही है, तो उन गाड़ियों को मैं प्रेफर इस वीडियो में कंपेयर भी नहीं कर रहा। अगर तीनों को देखें ना तो उनसे देखो लुक एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट तीनों गाड़ियों में से ना इसका लुक थोड़ा ज़्यादा सही लगा। एंड ऑफकोर्स अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे हैं तो उसमें मैंने साफ साफ बोल रखा है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी, इट शुड बी लाइटर इन वेट, वाइडेस्ट टायर्स एंड लुक्स। तो कहीं ना कहीं हॉर्नेट ना उन सभी चेक पॉइंट्स को टिक किया। लाइट गाड़ी चाहिए थी, इसका जो वेट है ना वो है 142 kgs, विथ पेट्रोल 148 तक जाएगा शायद, जो कि लाइटर है कंपेयर टू N160 एंड अपाचे 4V से, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस जो टायर्स रहते हैं ना इसमें, तीनों ही गाड़ियों में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट टायर इसी में है, आगे के 110 हैं पीछे के 140 हैं, तो वो भी एक रीज़न है इसको परचेस करने का। इसने सारे जो मेरे चेक पॉइंट्स थे उन सबको प्रॉपर टिक किया, जो रिक्वायरमेंट्स थे उनको फुलफिल किया। अब देखो परफेक्शन तो नहीं मिल सकता जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, परफेक्शन ढूंढने निकलोगे तो वो तो कभी आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे इस चीज़ से। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस को थोरली आंसर कर दिया है, एंड अगर आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो फिर कॉमेंट करना, कॉमेंट के थ्रू जवाब दे दूंगा आपको। सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच ऑल वी हैव इन दिस वीडियो फोक्स, दिस इज क्रोम बाइजो साइनिंग ऑफ, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। अभी निकलने सीधा घर की तरफ, काफ़ी चैलेंजिंग था आज का दिन, सारी एनर्जी डाउन हो चुकी है, अब सीधा घर पहुंचना है, फुटेज चेक करना है, एडिट करना है, दैट्स इट।